रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के जाने का बहाना करके गई नवविवाहिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। उसकी शादी 2 माह पहले ही हुई थी। नवविवाहिता के पिता की शिकायत पर जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से एक नवविवाहिता अपने देवर और भांजे को चकमा देकर प्रेमी के साथ भाग गई। टिकट विंडो के सामने लंबी लाइन होने पर उसने दोनों को सामान देखने को कहा और टिकट लेने चली गई। काफ़ी देर तक जब वह नहीं लौटी तो देवर और भांजे ने परिवार वालों को सूचना दी। जीआरपी ने सीसीटीवी चेक किए तो वह एक युवक के साथ बाइक से जाते हुए नजर आई। भिंड के महगांव की रहने वाली 22 साल की युवती का विवाह 2 महीने पहले शिवपुरे निवासी युवक से हुआ था। दिवाली के पहले वह माता पिता से मिलकर आने का कहकर गई थी। उसे लेने के लिए देवर और भांजे के साथ महगांव पहुंचा। शुक्रवार को तीनों बस से महगांव से ग्वालियर पहुंचे। उन्हें शिवपुरी जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए तीनों पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुए। यहां टिकट की लाइन काफ़ी लंबी थी। भीड़ देखकर भाभी ने कहा, महिलाओं की लाइन छोटी है, तुम दोनों सामान देखो, मैं टिकट लेकर आती हूँ। वह बाहर निकली और सर्कुलेटिंग एरिया में बाइक पर खड़े युवक के साथ चली गई। काफ़ी देर तक उसके नहीं लौटने पर देवर ने अपने और भाभी के घर पर कॉल किया। जीआरपी एसआई उमेश मिश्रा ने बताया कि नवविवाहिता 2 लड़कों के साथ आई थी। इनमें एक की उम्र 15 और दूसरे की उम्र 18 साल रही होगी। नवविवाहिता की उम्र भी 20-22 की रही होगी। वह टिकट विंडो पर आई, उसका नंबर आया ही था कि उसने उल्टी आने का बहाना किया और वहां से बाहर निकल गई। डीएसपी रेल सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि महिला सर्कुलेटिंग एरिया में लगे सीसीटीवी में वह एक युवक के साथ बाइक पर जाती दिख रही है। नवविवाहिता के पिता की शिकायत पर जीआरपी ग्वालियर ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। ये पहले पड़ाव थाने गए थे रिपोर्ट करने, वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तब जीआरपी में रिपोर्ट लिखी गई है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।